इसे कहते हो ऑफ रोड? ऑफ रोड डेस्टिनेशन। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं सिंपी वाटरफॉल और क्रैम सिंपी केव, जो कि इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट केव है। और ये जगह मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट के खादोम विलेज में है। तो वहाँ ट्रेवल करने के लिए हम लोगों को करीब करीब जुआई से 55 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, फिर वहाँ पहुँच के फिर ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। तो चलिए इस खूबसूरत जर्नी को शुरू करते हैं, और बहुत ही एडवेंचरस रहने वाला है ये जर्नी। सो वीडियो को पूरा देखिए और मजे लीजिए इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए रास्ता कितना ज़्यादा खराब है। ओ सीधा है ना, हम लोग इस साइड आ गया। ठीक है, थैंक यू। सो वेलकम टू मिशनाथ विलेज, लिखा हुआ है इधर। गाड़ी पूरा जाता है, हाँ। सीधा चला, मतलब पूरा डेस्टिनेशन तक ऐसा ही रास्ता है ना? रास्ता है, मतलब रोड ऐसा है कच्चा। अच्छा, और एक तो जो केव है ना इधर में, केव केव है ना? केव गुफा गुफा है, गुफा है, उसका सामने ही में है। अच्छा, उधर देखा तो अपने आप ही, तो वो जो वाटर झरना जो नीचे गिरने वाला है, हाँ, और ऊपर में तो गुफा है। गुफा है ना, थैंक यू सो मच। नहीं तो हम लोग तो आदमी और गया है, बहुत है ना, सुबह में गया, दो तीन गाड़ी गया है। ओह ठीक है, आप सीधा जाओ, पूरा रोड तक नदी तक जाओ। अच्छा, हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आराम से ड्राइव करके जा सकते हैं हम लोग। और बहुत ही सुंदर विलेज है, देखिए चारों ओर ग्रीन, बीच में ये रास्ता इस विलेज का, और बहुत ही साफ सुथरा विलेज है। देखिए आपको कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा इधर देखने को, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतने अंदर इतना सुंदर सा एक गांव होगा, जो कि इतने भीतर जगह में आप लोग देखने को मिलेगा। और इतने प्यारे प्यारे घर देखिए यहाँ, और देखिए हाँ कितना स्कीड हो रहा है गाड़ी। बहुत ही ज़्यादा स्कीड हो रहा है गाड़ी। इतना साफ पानी, सच में भी इतना खूबसूरत
ये ब्लू ब्लू पानी देखिए, ओ वाओ, हो ये कहाँ आ गए हम, तो यहाँ अपना व्हीकल पार्किंग करके, स्कूटी पार्किंग करके यहाँ से ट्रैकिंग करना है हम लोगों को। और ये गांव है, नियरेस्ट विलेज जो इस वाटरफॉल के सामने का सबसे नियरेस्ट विलेज है ये। और यहाँ से ट्रैकिंग करके हम लोगों को करीब करीब 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, सो इस रास्ते जाना होगा। तो चलिए जाके देखते हैं और खूबसूरत इस डेस्टिनेशन को दिखाते हैं आप लोगों को। हाय हाय हाय, कितने प्यारे प्यारे बच्चे। ये गांव, सुंदर सा गांव। हेलो, हे हाय, बहुत ही सुंदर सा गांव। बच्चे इधर झूलने झूल रहे हैं। वे टू वाटरफॉल। सो ये भैया हमारे साथ जा रहे हैं। योर नेम? माय नेम इज रामतन देन पंगमते। रामतन? या या, ओके। इनका नाम रामतन है जो हमारे साथ ही जा रहे हैं अभी। सो करीब करीब एक घंटा का ट्रैकिंग होगा यहाँ से। You are means which tribe live here? Mar. Mar. Yeah, yeah. Mar. Yeah. Oh, Mar. Yeah. Mar. H-M-A-R. H-M-A-R. Mar. Mar. From Mar, they used to stay in Mizoram also. Yeah, yeah, yeah. Mar. Yeah. Yo, I went to Mizoram once. Yeah. Okay. So there is lots of Mar people. Yes. In Mizoram. Yeah, yeah. एक घंटा दो घंटा जो चलाते रहिए और जाते रहिए। एक घंटा डेढ़ घंटा लगेगा।
डेढ़ घंटा वाटरफॉल। अच्छा वाटरफॉल तो वाटरफॉल के ऊपर है केव, केव तक डेढ़ घंटा, केव जस्ट ऊपर है, केव तो 10 मिनट ऊपर है, 10 मिनट ऊपर है वाटरफॉल। यहां से आप डेढ़ घंटा लगेगा अभी और जाएगा तो ठीक है, जाते रहिए। थैंक यू। कहां से? असम से। हां ठीक है गोला। ओह यू हैव टू पे एंट्री फी। एंट्री फी? या ओके। हाउ मच? 50 50 पर हेड। करीब करीब 30 मिनट का ट्रैकिंग है। सो भैया ने तामुल दिया है, तामुल खा के थोड़ा बॉडी गर्मी हो गई इसलिए ट्रैकिंग कर पा रहे हैं। ट्रैक कर करके थक गए हैं पूरा, और कुछ देर और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे सेम्पी फॉल, जाके उधर दिखाएंगे आप लोगों को। बाय। ओके सी यू। ओके नाइस टू मीट यू। ओके तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को ये गाइड मिला है, अभी हम लोग इसी पे चलेंगे। अगर बर्न से अगर हां लकीली एक गाड़ी मिल गया, वो टायर टू। तो इसमें चढ़ के जाना। ओके बाय बाय। ओके ओके आई विल कॉल यू। बहुत ही जबरदस्त रास्ता ही। कहते हो ऑफ रोड डेस्टिनेशन, इतना ऑफ रोड है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि रोड कहाँ है। यही है, इधर से ट्रैक करना है फिर से। सो यहाँ रुक गए अभी हम लोग। सो यहाँ से कुछ देर ट्रैकिंग करके फिर जाना होगा। सो नीचे वाटरफॉल है, उधर ही जा रहे हैं हम लोग। ओह चलिए आइए, देखता है क्या है, नीचे जाके देखते हैं। सेम्पी वाटरफॉल पहुँचने वाले हम लोग। ये देखिए वो जगह। हो सो पहुंच गए हम लोग। ये मेरे पीछे देखिए सेम्पी वाटरफॉल। हो बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल वर्थ टू विजिट वाटरफॉल है। बहुत साफ पानी है, इतना सुंदर वाटरफॉल है कि क्या बताएं, सारी थकावट दूर हो गई यहाँ आके। सो जिस केव के बारे में बोल रहा था मैं, सो जिस केव के बारे में बोल रहा था मैं, वो केव बस मेरे सामने ही है। ये सो केव हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी।
Ida pakai ni mana? ये है वो केव जहाँ हम लोग आना चाहते थे। हाँ देखिए इतना सुंदर पानी और ये नज़ारा, बहुत सुंदर पानी है। ओह सो ये भाई के वजह से हम लोग आज देख पाए। भाई तुम्हारा नाम? फ्रांक मिकी। सो इस भाई का हेड फ़ोन नंबर वगैरह मैं दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे। अगर आप लोग यहाँ पे एडवेंचर करना चाहते हैं और इस वाटरफॉल और केव को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर दे दूंगा। और बहुत ही अच्छा है ये जगह, ज़रूर एक्सप्लोर करना है, और वर्थ टू विजिट प्लेस है बहुत ज़्यादा। सो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर था, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आगे आप लोगों को और इस तरीके का एडवेंचर अगर देखना है तो। सो कीप ट्रैवलिंग, कीप लविंग द वंडर मैन, और आप लोगों को नया नया डेस्टिनेशन दिखाएगा। सो थैंक यू, एट लास्ट गाड़ी भी मिल गया हम लोगों को। थैंक यू ब्रो। सो नीचे तक हम लोग आराम से जा पाएंगे अभी, और ये लोग हमारे साथ गए थे। हाँ सो सभी लोग एक साथ अभी एक्सप्लोर करके वापस जा रहे हैं। हो नोटिफिकेशन मिल जाए ब्लॉग आने से आप जाके शांति लग रहा है।